इंडिया में पॉपुलैरिटी के बेसिस पर बात करें कि कौन सा सीसी सेगमेंट ज़्यादा चलता है, तो यहाँ पर आप सभी लोग ही जानते होंगे कि इंडिया में ज़्यादातर छोटे सीसी वाले बाइक ज़्यादा फेमस है, और उस छोटे सेगमेंट में 110 सीसी इंजन वाले बाइक का काफ़ी चलन है, क्योंकि इस 110 सीसी सेगमेंट में लोगों के लगभग ज़रूरत की सारी नीड्स पूरी हो जाती हैं, जैसे कि लुक्स, माइलेज, एवरेज परफॉर्मेंस, प्रैक्टिकलिटी से लेकर वैल्यू फॉर मनी पैकेज तक अवेलेबल हो जाता है। सो आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया में बिकने वाले 5 मोस्ट फेमस 110 सीसी BS6 बाइक्स के बारे में। तो मैं हूं आपका होस्ट कुंदन वर्मा और आप देख रहे हैं अपना ऑटोमोबाइल चैनल एसके मोटर वर्ल्ड। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। सो इस लिस्ट के सबसे पहले बाइक के बारे में बात करें तो वो है इंडिया की सबसे लार्जेस्ट बाइक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हीरो मोटोकॉर्प की तरफ से, वो है पैशन प्रो BS6। तो यह बाइक अपने ओवरऑल फैक्टर के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है, क्योंकि इस बाइक में आपको लुक्स, माइलेज, रिलायबल इंजन से लेकर सब कुछ मिल जाता है, जिस वजह से यह बाइक इंडियन कस्टमर्स के दिलों पर आज भी राज करते आ रही है। तो इस बाइक में आपको 110 सीसी का एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर BS6 कॉम्प्लायंट फ्यूल इंजेक्शन इंजन मिलता है विद 4-स्पीड गियर बॉक्स। बात करें इसके माइलेज की तो यह बाइक आपको अप्रॉक्स 50 km/L का माइलेज प्रोवाइड करता है। वहीं बात आती है इसके प्राइसिंग की तो यह बाइक आपको अप्रॉक्स 80,000 से लेकर 85,000 के बीच में अवेलेबल हो जाता है। अब दूसरे बाइक के बारे में बात करें तो वो भी हीरो कंपनी के तरफ से ही आता है, जिसका नाम है हीरो स्पेंडर आई स्मार्ट BS6। तो यह बाइक को आप एक माइलेज मशीन की तरफ से भी मान सकते हैं, क्योंकि यह अपने माइलेज के लिए काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। तो इस बाइक में आपको 113.2 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड BS6 कॉम्प्लायंट फ्यूल इंजेक्शन इंजन देखने को मिलता है, जो आता है 4-स्पीड के गियरबॉक्स के साथ। वहीं यह बाइक आपको अप्रॉक्स 60 km/L का माइलेज देता है। और बात करें इसके प्राइसिंग की तो यह बाइक आपको 79,000 से लेकर 82,000 के बीच के प्राइस पॉइंट पर अवेलेबल हो जाता है। इस लिस्ट का तीसरा बाइक है जापानीज कंपनी के तरफ से होंडा लिबो BS6। तो यह बाइक अपने स्मूथनेस और रिलायबल इंजन के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है, और इसमें आता है 109.5 सीसी का एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर BS6 कॉम्प्लायंट फ्यूल इंजेक्शन इंजन विद 4-स्पीड के गियरबॉक्स के साथ। वहीं यह बाइक आपको अप्रॉक्स 60 km/L का माइलेज देता है, और न्यू दिल्ली के ऑन रोड प्राइसिंग के अकॉर्डिंग यह बाइक आपको 81,000 से लेकर 86,000 के बीच में अवेलेबल हो जाता है। सो इस लिस्ट के फोर्थ फेमस 110 सीसी बाइक के बारे में बात की जाए तो वो भी मार्केट में बहुत पहले से ही अपनी पकड़ बनाए बैठा है, और जापानीज कंपनी होंडा से बिलोंग करता है। तो यहाँ मैं बात कर रहा हूँ होंडा CD110 ड्रीम की। तो यह बाइक मशहूर है इंडिया में अपने बेस्ट माइलेज, रिलायबल इंजन और स्मूथनेस के वजह से, जो कि स्मूथनेस होंडा के हर एक बाइकों में कॉमन है। सो इस बाइक में आपको सेम होंडा लिबो वाला 109.51 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड BS6 कॉम्प्लेक्स फ्यूल इंजेक्शन इंजन देखने को मिलता है विथ 4-स्पीड गियर बॉक्स। बस इस दोनों बाइक में यह फ़र्क है कि इन दोनों ही बाइकों का इंजन ट्यूनिंग डिफरेंट है, जिसके वजह से CD110 आपको शानदार 65 km/L का अप्रॉक्स माइलेज देने में सक्षम रहता है। वहीं बात करें इस बाइक के प्राइसिंग की तो यह बाइक आपको 74,000 से लेकर 76,000 के बीच में मिल जाएगा। नाउ कमिंग एट द लास्ट बट नॉट द लीस्ट बाइक ऑफ दिस लिस्ट, तो ये आता है अपने इंडियन कंपनी के तरफ से, और यहाँ मैं बात कर रहा हूँ बजाज प्लैटिना एचकर BS6 मॉडल के बारे में। तो इस बाइक के कुछ गुड फैक्टर्स के बारे में बात करें तो वह है एडवांस फीचर्स, बेस्ट इन क्लास सेफ्टी और प्रैक्टिकलिटी, जो कि हर इंडियन कस्टमर चाहता है कि उसका बाइक प्रैक्टिकलिटी में आगे हो। तो इस बाइक में आपको 115.45 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड BS6 कॉम्प्लायंट फ्यूल इंजेक्शन इंजन विद सेगमेंट फर्स्ट 5-स्पीड गियरबॉक्स से लेस इंजन देखने को मिलता है, और यह बाइक आपको अप्रॉक्स 70 km/L का गुड माइलेज प्रोवाइड करता है। वहीं बात करें इस बाइक के प्राइसिंग की तो यहाँ पर यह बाइक न्यू दिल्ली के ऑन रोड प्राइस के अकॉर्डिंग 78,000 से लेकर 80,000 के बीच में अवेलेबल हो जाता है। सो दोस्तों, ये थे 5 मोस्ट फेमस 110 सीसी BS6 बाइक्स इन इंडिया। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं, और साथ में आप हमसे इंस्टाग्राम के थ्रू भी जुड़ सकते हैं और अपने सवालों के जवाब पा सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तो इसके लिए स्टे ट्यून्ड।